मनीष शुक्ला जी, अंतरिम रोक लगा दी गई है और इसको एक बड़ी जीत के तौर पर समाजवादी पार्टी देख रही है। देखिए, हमारे सहयोगी भी हैं, अभिषेक भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और बारिश के बीच में अभिषेक सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप लोगों के पास में आऊंगा। लेकिन मनीष शुक्ला जी, रिएक्शन। देखिए, अंतरिम रोक लगी हुई है और अंतरिम रोक का मतलब ये होता है कि जब तक बहस न हो जाए तब तक ये रोक जारी रहेगी। और अभी समाजवादी पार्टी का मैं रिएक्शन सुन रहा था तो उनका ये कहना है कि 2006 में जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम पास हुआ था वो विभेदकारी है और सांप्रदायिक है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और देश में मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार उस समय चल रही थी, यानी मुलायम सिंह यादव, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी सांप्रदायिक राजनीति करते थे, इस तरह का कानून बनाते थे जिससे लोगों का रोजगार छिन जाए, जो ऐसा कानून बनाते थे जो विभेदकारी हो और धार्मिक रूप से असहिष्णु हो। ये अनुराग ठाकुर का कहना था। अभी कांग्रेस के तरफ से पक्ष रखने के लिए कोई बैठे हैं वो अपना विषय रखेंगे। देखिए, सरकार जो अभी आदेश पारित हुआ है उसकी कॉपी मिल जाएगी, उसका अध्ययन करके निश्चित रूप से कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। लेकिन कोर्ट को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, इस दौरान अगर शिव भक्तों का या कांवड़ियों की आस्था पे कोई चोट पहुंचती है तो उसका परिमार्जन कैसे होगा। डिटेल में बात करूंगा शुक्ला जी, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, उस पर मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। अपने सहयोगियों के पास जाएंगे, गौरव भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कोर्ट से, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त राज्यसभा सांसद कांग्रेस की तरफ से प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद तिवारी जी, जो सरकार की तरफ से आदेश दिया गया था उस पर अंतरिम रोक लगा दी गई है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आप इसे कैसे देखते हैं? आज मैंने जीरो आवर में 267 के अंदर यही नोटिस दी थी कि ये संविधान विरुद्ध है, विभाजनकारी है, कि सिर्फ धर्म के आधार पे नहीं, जात के आधार पे कोई शेड्यूल कास्ट है, कोई बैकवर्ड है, उसका रोजगार छीनेगा। तो जो मैंने कहा था आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया उसे सही माना है। अच्छा, और मैं इसे उन लोगों की जीत समझता हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षा कर रहे थे और जो देश के विभाजन के खिलाफ है, विभाजनकारी सरकार के इस कदम के खिलाफ। हाँ तिवारी जी, बीजेपी की तरफ से मनीष शुक्ला जी थे हमारे साथ, वो ये कह रहे थे कि अभी अंतरिम रोक है, हम अपनी तरफ से जवाब देंगे, अपना पक्ष देंगे और हमें उम्मीद है कोर्ट हमारी सुनेगा। ठीक कह रहे हैं मनीष जी, ये अंतरिम रोक है पर कई दिन का है, जरा मुझे ये बता दें। कम से कम ये तो प्रथम दृष्टया साबित हो गया कि सरकार का ये कदम रोक लगाने लायक था, स्टे देने लायक था। अगर उनका पक्ष आएगा तो फिर इधर का भी पक्ष जाएगा, तो दोनों पक्ष सुनने के बाद फाइनल ऑर्डर तक तो यही ऑर्डर इफेक्टिव रहेगा ना। अच्छा, शुक्रिया तिवारी जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बात रखी आपने। और देखिए, अजय जी के पास भी मैं जाऊंगा, उनसे उनकी बात भी सुनूंगा। लेकिन हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं, अभिषेक जुड़े हुए हैं और वो ढाबे के पास से ही। अभिषेक, जरा ये बताइए, अब अंतरिम रोक लगा दी गई है, अभी अब क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी अंतरिम रोक लगाई है और एक पक्ष को सुन के अंतरिम रोक लगाई है और दूसरे पक्ष से सीधे रूप से मांगा है कि पहले वो जवाब दाखिल करेंगे, उसके बाद कुछ स्थिति क्लियर होगी। देखिए, अभी अंतरिम रोक है, अभी ढाबे संचालकों के, अभी हमारी जो प्रशासन है उसने इस बात को कहा था। जी 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 जी, बोलिए 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 अभिषेक, बोलिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन, देखिए मुजफ्फरनगर प्रशासन ने सबसे पहले इस बात को कहा था कि भाई देखिए ऐसा, बोलिए बोलिए बोलिए, आप ही से बात करें, ऐसा ऐसा नहीं है। देखिए, मुजफ्फरनगर प्रशासन का साफ तौर पे ये कहना था कि भाई आप जो है ढाबा चला सकते हैं, ढाबा बंद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपना नाम बताने की जरूरत है, जो आपके अंदर लोग काम कर रहे हैं उनको बताने की जरूरत है। बकायदा जो लिस्ट थी, जो नाम था, जो आप छोटे छोटे शॉप चला रहे हैं, चाहे आप आम बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, कुछ भी चलाइए, उसमें मनाही नहीं है, उसके ऊपर आपको बस नाम लिखना था। ऐसे में जो दुकानदार थे वो नाम लिखने लगे थे। जब हमने लोगों से बातचीत की थी, दुकानदारों से बातचीत की थी, उनका भी कहना था कि हमें कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, लोग हमारे पास आ रहे हैं। आज सुबह भी जब हम ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे मुजफ्फरनगर के ढाबे पे, अभी देखिए एसएसपी लाइन पे हम मौजूद हैं, यहां से कुछ ही दूर पे एक ढाबा था जहां हमने लोगों से बातचीत की थी, दुकानदारों से बात की थी, उन्होंने कहा था कि हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें तो आराम से अपना जो काम है वो चल रहा है, कांवरिए भी आ रहे हैं, अगर हम अच्छा खाना दे रहे हैं
हैं, अच्छी चीजें दे रहे हैं, तो हमें कोई परेशानी उस वक्त नहीं है। प्रशासन का भी यही कहना था कि किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए ये नाम जो है वो सामने रखने की बात जो है वो हमने की थी। ऐसे में अब जब स्टे आया है तो कहीं ना कहीं जो रिएक्शन है वो इस पे मिक्स नजर आएंगे, क्योंकि देखिए पहली बार ऐसा हुआ था, क्योंकि पिछले साल भी अगर आपको याद हो तो हमने ये स्टोरी की थी, पिछले साल भी हमने ये बताया था किस तरीके से नाम बदलकर चीजें हो रही थी, और लेकिन पिछले साल इस बात को मैंडेटरी नहीं किया गया था कि आपको जो है वो नाम लिखना है या इस तरीके से करनी है, लेकिन इस बार हुआ है। कुछ लोग भी हैं, क्या कहेंगे आप लोग, अब नाम जो लिखा जाना था अब कोर्ट ने स्टे लगाया है, अब दुकान पर नहीं लगे, क्या कहेंगे सर? स्विच ओवर देखा आपने, बुरा हाल है। क्या लगता है, फैसला सही है स्टे का, गलत है? गलत है, गलत है, नाम लिखना चाहिए। हमारे बाहर से भी आते हैं, इतने इतना पानी भर रहा है, मतलब नाम लिखा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या लगता सही है? सही है, देखिए नाम लिखा होना चाहिए, लोग ये मांग रहे हैं, जो दुकानदार है वो कहते हैं कि भाई हमें इससे कोई दिक्कत अच्छा, नहीं है, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है, अगर नाम लिखा। मैं आपसे बात करता हूं, अभिषेक सिन्हा से भी मैं बात करूंगा, लेकिन गौरव कोर्ट रूम में, कोर्ट से हमारे साथ मौजूद है, तो गौरव कोर्ट की हर खबर आप दर्शकों तक पहुंचाते हैं, अंदर क्या क्या दलीलें दी गई थी याचिकाकर्ता की तरफ से, जस्टिस भट्टी की तरफ से, जरा थोड़ा सा ये बताइए। बिल्कुल, देखिए जो याचिकाएं दाखिल की गई उसमें एक एनजीओ थी, उसके अलावा महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी सांसद हैं, इसके अलावा अपूर्वानंद प्रोफेसर हैं डीयू के, अलग अलग लोगों द्वारा याचिकाएं दाखिल की गई, और ये कहा गया कि इस आदेश के जरिए जो खास करके मुजफ्फरनगर के एसएसपी के द्वारा डायरेक्टिव्स निकाले गए वो संवैधानिक अधिकारों का हनन है और कहीं ना कहीं आर्थिक बहिष्कार करने जैसा, और इसका असर ये हुआ है कि एक खास समुदाय के कर्मचारियों को कई ढाबे मालिकों ने निकाल दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या ये जो राज्य सरकार का आदेश था वो किसी तरह का लिखित आदेश है या इसे स्वेच्छा से पालन करना है, ये या डायरेक्टिव्स हैं, ये क्या है। हालांकि कोर्ट में जब अभिषेक मनु सिंघवी, हुजैफा अहमदी और सीयू सिंह जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उसका पालन कराया जा रहा है वो स्वैच्छिक नहीं नजर आते हैं और कहीं ना कहीं इसे दुकानदारों पर जबरदस्ती लागू किया जा रहा है, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी इस तरह के आदेश देखने को मिले हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि क्या इस दौरान जो जमीन पर कांवड़िए जो इस वक्त कांवड़ यात्रा के लिए निकले हैं उनकी मंशा क्या है, और क्या इस पूरे मामले को बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं पेश किया जा रहा है, इस चीज को भी हम देखना समझना चाहते हैं कि क्या वाकई में जमीन पर कोई आर्थिक बहिष्कार वाली बात है। हालांकि इस मामले में ये जो पूरा आदेश है वो लंबे समय के लिए नहीं है, कांवड़ यात्रा भी लंबे समय तक नहीं चलेगी, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तक होने वाली सुनवाई तक के होने तक जो है अंतरिम आदेश देकर इस पूरे आदेश पर रोक लगा दी है और फिलहाल जो है नेम प्लेट लगाने का दबाव नहीं होगा। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में तीन चीजें कही गई कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत तीन चीजें महत्वपूर्ण होती है, पहला यह कि दुकान में जो खाना मिल रहा है वो शाकाहारी है मांसाहारी है, लाइसेंस प्लेट क्या है, और इसके अलावा खाने की गुणवत्ता क्या है, इसके अलावा ये बताना कि ढाबे में कर्मचारी कौन है, किस धर्म के हैं। मैं फिर आता हूं गौरव आपके पास, हमारे साथ में अभिषेक सिन्हा भी है। अभिषेक, अब जब अंतरिम रोक लगा दी गई है क्या उसके बाद अब किसी तरह की हलचल तुरंत दिख रही है या फिर अभी वही सब तस्वीरें दिख रही है, क्योंकि बारिश भी हो रही है, मैं देख रहा हूं कि आप कैसे वहां पर खड़े हुए हैं, बताइए। हिमांशु, देखिए हमने जो रिपोर्ट करी और आपने यहाँ पे वो रिपोर्ट भी देखी होगी जिसमें किस तरह से आईडी बदलकर लोगों को रखा जा रहा था। देखिए यहाँ पे स्थिति दूसरी है, उत्तराखंड में स्थिति दूसरी देखने को मिली। जैसे ग्राउंड रिपोर्ट पे हमने देखा कि कुछ जो दूसरे समुदाय के लोग थे वो हिंदू लोगों को आईडी लगाकर काम कर रहे थे। जब हमने उनसे पूछा कि भाई आप अपनी आईडी क्यों नहीं लगाते, हिंदुस्तान के निवासी आप भी हैं तो आप अपनी आईडी लगाइए, तो वो कहीं ना कहीं इस बात से सकपका भी गए थे और उनका आईडी ना दिखाना को लेकर अपने आप पे कई बड़े सवाल खड़े करता है। वहीं कांवड़िए जो हैं, शिव भक्त हैं, वो लगातार इस बात का विरोध भी कर रहे थे कि आईडी होगी तो हमें पता चलेगा, हम आज आराम से खाना खा सकते हैं, हमारे विचार में कोई दिमाग में कोई गलत विचार नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए उत्तराखंड की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो कहीं ना कहीं कांवड़िए और जो शिव भक्त हैं उनका ये मानना था कि आईडी हमारे मन मुताबिक होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं। और देखिए उत्तराखंड में हमेशा कांवड़ के मेले के दौरान विवाद होता है और ये अभी हाल का ही मामला बताता हूँ। 3 दिन पहले मंगलौर क्षेत्र में जब कांवड़ियों ने हंगामा काटा था, उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी इस बात की संज्ञान में लेते हुए समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया कि किसी भी कांवड़िए को, किसी भी शिव भक्त को यहाँ आने पर इस तरह की
प्याज लहसुन और मांसाहारी जो क्षेत्र हैं वहां से दूर रखा जाए। इसी वजह से ये आदेश जारी किया गया था। शिव भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इन सब मद्देनजर रखते हुए एक मीटिंग बुलाई गई थी। बोर्ड मीटिंग में समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक के बाद एक निर्णय लिया गया, अपने अपने जगह से जो उनके क्षेत्र थे, सर्किल सीओ सर्किल से उनकी रिपोर्ट मांगी गई थी, कहां कहां पे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे ये दिक्कतें हो सकती हैं। तमाम रिपोर्ट बनने के बाद मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में इस बात का निर्णय लिया था, जिसके बाद यहां पे नियम लागू कराया गया था। अब देखिए ये अब इस पर बात करना बेहद जरूरी है। आपने बताया कि एक वैकल्पिक रास्ता यहां पर खोज लिया गया था, एक तरीका यहां पर खोज लिया गया था। अब इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे साथ में दानिश कुरैशी जी जुड़ चुके हैं, AIMIM के स्पोक पर्सन है, प्रवक्ता है। हमारे साथ में नाजिया इलाही खान भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजय जी, आप बहुत देर से बैठे थे, आपसे मेरी बात नहीं हो पाई थी। प्रमोद तिवारी जी से तो बात करी, उन्होंने बताया कि एक अच्छा फैसला यहां पर लिया गया है, हालांकि अभी अंतरिम रोक है, लेकिन क्या आप मान रहे हैं कि आगे कंटिन्यू रहेगा? हिमांशु जी, सामन के इस प्रथम सोमवार की आपको, आपके चैनल को, समस्त देशवासियों आपको और भाजपा सरकार के एजेंटिस्ट और प्रोपोगंडिस्ट और उनके सारे नेताओं को मेरी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बताई। मैं ये कहना चाह रहा था हिमांशु जी, आपका चैनल भी जब से नहीं था, जब से ये कांवड़ आ रहा है, कांवड़ कई मतलब 50-100 वर्षों से चली आ रही, और पृथ्वी पर सभ्यता भी नहीं थी, जैसे भगवान भोलेनाथ अजर अमर अविनाशी है। तो देश की, चलिए सुप्रीम कोर्ट को हम बधाई देते हैं, अंतरिम रोक लगाया, आर्टिकल 14, 15, 17 का जो जिस तरह से संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, खास करके प्रदेश की सरकार और उनके कारिंदों के द्वारा, प्रशासन द्वारा, आपने कोई आदेश करना है तो लिखित में करके उसे, मौखिक आदेश क्या होता है उसे पूरा भेजिए। और आप सहारा, झूठ का सहारा तो बिल्कुल ना लें कि साहब 2006 में सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी और माननीय मुलायम, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ये था। इसको पूरा पढ़िए भाई, ज्ञान भी होना चाहिए, खाली बैठ के हैं वाचन करने से कोई फायदा नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जनाब कि किसी भी ढाबे या फर्म के संचालक को अपने उस पर वो टांगना होगा क्या क्या है कैसे। उस पर कहीं भी ये जिक्र नहीं है हिमाचल की, लॉजिकल बुग्गी वाला, रेड़ी वाला, ठेले वाला, फल वाला, ठीए वाला, खोके वाला, कोमचे वाला, और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बेरोजगारों के लिए स्वर्णिम योजना थी, पकौड़ा तलो, पिंचर लगाओ, उसी पर बता रहा हूँ। आप मुझसे पूछिए मत कि उन पर क्या ये था कि आप नाम लिखे, केवल केवल ये पॉलिटिकल एजेंडा। जैसे हिटलर ने एक येलो स्टार करके योजना चलाई थी जर्मन में, ज्यूज वर्सेस नाजी जो होता था, तो इस देश में वो भी उनका आर्थिक बहिष्कार करना चाहता था, और एक येलो स्टार करके घोषणा थी, वो भी यही काम जर्मन में करा था, लेकिन जब जर्मन में उसको पटका गया था, भेजा गया था, तो काली सूची में हिटलर का नाम अब कभी खत्म नहीं होगा। चलिए ठीक है, मेरा आपसे अनुरोध यह है, फाइनल कर दूं, मेरा आपसे अनुरोध यह है कि भोलेनाथ की एक सावन का महीना है, 15 दिन के लिए कामर का आता है, दिलों में बैर ना बढ़ाए, चुनाव जीतने का पॉलिटिकल विंडेता है जो लेके आए हैं आप, इससे भी आपको नहीं मिलेगा, 2 सीट जो थी वो भी छिन जाएंगी आपकी, भोलेनाथ का शराब। देखिए बारिश में भोलेनाथ स्वागत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, बारिश जो आ रही है स्वागत है, ये अमृत बरस रहा है फैसला, ये अमृत बरस रहा है जो सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है, ये स्वागत कर रहा है सुप्रीम कोर्ट भी। मनीष शुक्ला जी, मनीष शुक्ला जी, इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रहार हो गए हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात यहां पर रख लीजिए। और ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि दुकान मालिकों उनके कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सुनो, पांडव जीतेंगे, कौरव हारेंगे, कौरव संख्या में बहुत थे। अरे महाभारत रामायण तो पूरा भरोसा है, थोड़ी बात कर ले, मुझे तो पूरा भरोसा है, विश्वास है कि कांवड़ यात्रा मार्ग में जितने दुकान प्रतिष्ठान वाले लोग हैं वे स्वेच्छा से उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा उसका पालन करेंगे, क्योंकि वो लोग अगर कांवड़ यात्रियों के आस्था का सम्मान जो लोग भी करेंगे वो इससे गुरेज नहीं करेंगे। ये लोग तो राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस और सपा वाले लोग, इन्होंने ही अधिनियम बनाया था। अब सोनिया गांधी विभेदकारी हो गई, सोनिया गांधी ने ऐसा नियम बना दिया जिससे धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव खराब हो रहा है। मुलायम सिंह से बड़े ये सेकुलर के चैंपियन हो गए अखिलेश यादव, अनुराग भदौरिया, तो ठीक है, अंतरिम रोक लगी हुई है, हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं, ऑर्डर पढ़ के, चूंकि आज अभी आपके रिपोर्टर ने बताया, जो विधि विभाग देखते हैं आपके यहाँ, विधि के रिपोर्टर है, उन्होंने कहा कि एक पक्ष को सुनकर
अंतरिम रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हमको सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है कि सर्वोच्च न्यायालय कांवड़ियों के आस्था को बचाए रखने में एक पक्ष को इसलिए सुना गया ना कि आपकी तरफ से वहां पर कोई पेश नहीं हुआ फैसला देगा। और मैं एक बात और कह के बात खत्म कर दूंगा, मैं एक बात कह के मैं जरूर समाप्त करूंगा कि देखिए जब दोनों पक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनेंगे और जब फैसला जो भी देंगे तो अजय वर्मा, प्रमोद तिवारी, अनुराग भदौरिया ये लोग मान लेंगे, उस समय सुप्रीम कोर्ट से इनका भरोसा न उठे जैसे पहले कई विषयों पर उठ चुका है। हम तो अच्छा ठीक है, मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन मनीष शुक्ला जी मेरे को यह बताइए, आपने कहा कि एक पक्ष को सुनकर अभी अंतरिम रोक लगाई गई है, एक पक्ष को सुनकर अभी अंतरिम रोक लगाई गई है आपने ये कहा, लेकिन जस्टिस भट्टी ने कई बार पूछा कि दूसरी पक्ष की तरफ से यानी सरकार की तरफ से क्या कोई है, क्या कोई बोलेगा, क्या कोई है, तो आप लोग वहां पर पहुंचे क्यों नहीं? आप लोग भी अपनी बात रख सकते थे ना वहां। ये एजेंट नहीं, नहीं। हिमांशु जी मैंने ये कहा कि आपके जो विधि संवाददाता थे उन्होंने अभी इसी डिबेट के दौरान इस बात को कहा कि एक पक्ष को सुन के उन्होंने अंतरिम रोक लगाई है, लेकिन हमको पूरा भरोसा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत की संस्कृति, सभ्यता, कांवड़ियों की आस्था और उनकी शुद्धता को जरूर ध्यान में रखकर फैसला करेगा। ओके कपीश श्रीवास्तव जी, दानिश कुरैशी जी, जब बात हो रही थी तो मैं देख रहा था कि आप थोड़ा सा मुस्कुरा रहे थे, और अच्छी बात है कि मौसम भी अच्छा है तो मुस्कुराना भी चाहिए, लेकिन इस अंतरिम रोक पर क्या कहेंगे? देखिए मुझे लगता है कि देश का जो सबसे बड़ा न्यायालय है उसने जो फैसला दिखाया है, याद रखिए वो वही फैसला मतलब ये चीजों को बाउंड करता है जो सबसे पहले बैरिस्टर सत्यदेव वैसे साहब ने कहा था कि ये अनटचेबिलिटी का एक पर्याय बनाने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं इस पे रोक लगनी चाहिए। दूसरे नंबर की बात कि इस पूरे मामले में आप देखिए ये चीजें जो थी भारतीय जनता पार्टी पीछे से बैकडोर से एंट्री कराने की जो कोशिश कर रही थी, क्योंकि इन्होंने प्रशासनिक ऑर्डर इश्यू किया था जबकि हम पांच मुसलसल इनसे कह रहे थे कि भाई योगी सरकार जो है वो ये कह रहे हैं कि ये आप बताइए, वो बताइए, ये पहचान छुपाइए, लेकिन वो अपना पैसा सर्कुलर पत्र जो था उसकी पहचान छुपाए रखते थे। दूसरे नंबर की बात मुझे लगता है देखिए कावड़ यात्रा हो या हज यात्रा हो या कोई भी यात्रा हो, जो भी व्यक्ति धर्म का पालन करता है वो अपने धार्मिक चीजों के लिए बिल्कुल सजग है और जानकारी हासिल कर लेता है। अगर आप रमजान के महीने में देखेंगे तो मुस्लिम अपने तरीके से जिंदगी बसर करता है। अगर कावड़ मुद्दे को क्या बहुत चल रही है तो हिंदू भाई अपने कपीश जी क्या इस मुद्दे को बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बताया गया, क्योंकि आज याचिकाकर्ता की तरफ से ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया कि यहाँ पर आर्थिक मौत, आर्थिक बहिष्कार, तो तब जाकर जस्टिस भट्टी ने कहा कि आपको स्थिति को इस तरह से नहीं बताना चाहिए, जमीनी हकीकत है वही बताइए, बहुत ज्यादा इस मामले को ऐसे ना खींचिए, आप गलत तरीके से ना बताइए। कपीश जी देखिए याचिकाकर्ता ने उज्ज्वलित होकर के इन शब्दों का प्रयोग किया होगा, लेकिन बात तो वही है, जो आपने आदेश दिया प्रशासनिक आदेश वो इस देश के संविधान के आर्टिकल 17 का उल्लंघन है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, तीनों को हम आपके सामने एस्टेब्लिश कर देते हैं। आर्टिकल 17 ये कहती है कि धर्म, लिंग और भाषा, इस तमाम आधारों पे आप विभेद नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी चीज प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 के अंदर है जिसमें निजता का अधिकार है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी है, हम कब नाम बताएंगे और कब नहीं बताएंगे ये एक्ट में प्रिवेल है। जैसे आपके विरुद्ध कोई आपराधिक कोई आपने आपराधिक कृत्य किया, मुकदमा विवेचक आपसे पूछेगा तो आपको बताना है, आप छिपा नहीं सकते हैं, बल्कि अगर आप गलत बताएंगे तो एक नया मुकदमा आप लेकर के आ जाएंगे। इसी के साथ ही मैं आपको कहता हूं कि आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन है समता और समानता का। अच्छा। कारण यह सभी को व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन जब आप पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में जानबूझ करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका धर्म क्या है, अगर आपको ये जानना है कि शुद्धता क्या है खाने की तो आप शाकाहारी और मांसाहारी लिखा सकते हैं, लेकिन उसको कपीश बेचें या निसार बेचें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर पड़ता है फर्क तो तब जब हम गलत काम कर रहे हैं, और गलत काम करने के लिए तमाम एक्ट बने हुए हैं, चाहे खाद्य अपमिश्रण अधिनियम हो, चाहे आईपीसी यानी भारतीय न्याय संहिता जो नई बन गई हमारी उसके तहत है, स्पेशल तमाम कानून है, लेकिन उस पर ये बात नहीं करेंगे, इनकी मंशा को सुप्रीम कोर्ट ने समझ लिया, इसीलिए उन्होंने इशू नोटिस नहीं किए। ठीक है, इसीलिए उन्होंने इशू नोटिस नहीं किए, इसको हिमांशु जी आने दीजिए, इशू नोटिस कर देता अगर उसको प्रथम दृष्टया ये मामला सत्य प्रतीत ना होता, इशू नोटिस ना करके डायरेक्ट अंतरिम आदेश दिया है
इस पर आदेश पर रोक लगाई गई है अंतरिम रूप से। अब पूरी बातें सुनी जाएंगी, उसके बाद फाइनल डिसीजन है। नाजिया, इस पर आप बताइए, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष कह रहा है कि ये उनकी जीत है, कांग्रेस हो, AIIMIM हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी लोग कह रहे हैं ये उनकी जीत है, लेकिन जिस तरह की अंदर बातचीत हुई, जिस तरह के अंदर तर्क दिए गए, सवाल जवाब किए गए, ये संविधान की जीत है। हाँ ठीक है, लेकिन उसमें ये भी कहा गया कि इस मामले को जो स्थिति है वही बताइए, बहुत ज्यादा एग्जरेट करने की कोशिश ना करिए। योगी सरकार को लता रही है। 1984 से 2017 तक शाहबानो और सायरा बानो के मैटर में भी इनको लग रहा था कि इनकी जीत है। इन्होंने आर्टिकल 17 का भी एक हवाला दिया है। अनटचेबिलिटी तब होती, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 का वायलेशन तब होता जब सिर्फ एक धर्म या एक जात या एक मजहब के ऊपर ये टैग लगाया जाता कि आपको अपना नाम बताना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आर्टिकल 17 मानने वाले इस देश के सभी नागरिक है। आपके बीच में मैं नहीं बोली ना, आपके बीच में मैं नहीं बोली ना, आप काई को बोल रहे हो, काई को बोल रहे हो, मैंने नहीं बोला ना आपके बीच में। अब बात आती है कि 2006 और 2011 में भी नोटिफिकेशन आया था, तब समाजवादी की पार्टी थी, और तब ये बात नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ था कि ओनर का नाम, शॉप का नाम, वेंडर का नाम, टाइटल लिखना पड़ेगा। ये पॉइंट थोड़ा क्लियर होना चाहिए। नाजिया, नाजिया सुनिए ना, ये पॉइंट एक बार जरा क्लियर होना चाहिए कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। कपिल जी, कौन सा मुद्दा है जिस पर ये विवाद हो रहा है? कपिल जी, हम बोलिए, कपिल जी क्या किस बात से आपत्ति आपको? किस बात से आपत्ति है ये बताइए। एक महिला राजनीतिक विश्लेषक को बोलने नहीं देना चाहते। सुनिए ना, आज क्लियरिटी करते हैं, ये क्लियरिटी करते हैं। कपीश जी सुनिए सुनिए, एक मिनट सबको म्यूट करिए। कपीश जी, किस बात से आपत्ति है आपको, वो आपत्ति बताइए। आपत्ति किस बात से है? आपत्ति इस बात की है कि किसी का नाम जान करके आप क्या जानना चाहते हैं? मंशा का प्रश्न है। आईपीसी के तमाम सेक्शन है, अगर कोई आदमी मरता है तो मानव आपराधिक बद है या हत्या है या दुर्घटना है, ये तीनों मरता तो एक ही जैसा है, लेकिन इन तीनों के मंशा का अंतर होता है। शायद ये विद की बात रही होगी और विद ठीक से पढ़ी नहीं है, बिना पढ़े बैठ गई है। आर्टिकल 17 का कीमत के अंदर मंशा नहीं देखी जाएगी। आर्टिकल 21 के अंदर पार्लियामेंटरी स्वतंत्रता के अधिकार में निजता का अधिकार दिया हुआ है, और ये किसी भी सरकार को खंचा वाले उसके लिए पहले एक्ट ले आइए, एक्ट प्रिवेल कीजिए कि खंचा वालों को भी अपना नाम और प्रोप्राइटरशिप लिखनी पड़ेगी। और अगर ये नहीं है नहीं कपिल जी, उन्होंने ये कहा कि पहचान, देखिए हाँ हाँ नाम की बात, ये किसी धर्म को लेकर नहीं है, ये कह रही है वो एक लॉक ऑफ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रही है, वो नहीं दिया जा सकता है। निजता के अधिकार में अगर कोई एक्ट प्रिवेल नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में आप जबरन उसका नाम नहीं ला सकते। हाँ लेट मी कंप्लीट, बोल दीजिए बोल। हाँ ठीक है, कंप्लीट करिए, बाकी मेहमान फिर उसके बाद तुरंत जाता हूँ। हाँ आ रहा हूँ। सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया आया था। हाँ। और कौन लेकर आया था? हाँ। कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी, जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे। हाँ। तो अब बात आती है कि FSSAI लाइसेंस जो पास होता है वो उसमें क्या लिखा हुआ है कि हर एक वेंडर को अपना नाम और अपना ट्रेड लाइसेंस शो करना पड़ेगा। ये पॉइंट आज जस्टिस भट्टी ने भी कहा, ये पॉइंट आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि आपको अपने लाइसेंस और ये सारी चीज तो दिखानी होगी जो FSSAI जो है उसका सर्टिफिकेट। बिल्कुल नहीं, ये उसके लिए होता है एक्स्ट्रा हो गया। जो जीएसटी के अंदर जो है सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड होता है, जो श्रम विभाग के अंदर रजिस्टर्ड होता है। हाँ अजय जी क्या कह रहे हैं, अजय जी बताइए। जो लोग इस तरीके का पैकिंग करते हैं, अजय जी हाँ अजय जी जल्दी बताइए, बोलिए क्या कह रहे हैं आप। एक मिनट का पीजिए। हिमांशु जी, हाँ हाँ आदरणीय हिमांशु जी, एक शेर सुन लीजिए कि मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। एक शेर है ये, सुनो, महात्मा गांधी जी ने कहा था अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड ह्यूमैनिटी, अस्पृश्यता मानव और ईश्वर के प्रति अपराध था, अपराध है और अपराध रहेगा। कौन सी अनटचेबिलिटी यहाँ पर हो गई है? सुन लीजिए, हर किसी के लिए है, दोनों के लिए है, सबके लिए है, कौन सी अनटचेबिलिटी वाली बात यहाँ पर कर रहे हैं आप? सुन लीजिए, अधिनियम को पढ़िए। परम संचालक का मतलब ठेले वाला, बुग्गी वाला, आम वाला, रिक्शे वाला,
खोके वाला नहीं होता और इस कांवड़ यात्रा में मैक्सिमम 90% लोग खोके बुग्गी आम ठेले रेड़ी और पकोड़े वाले रिएक्शन बहुत जल्दी। अब आप लोगों की तरफ से अगला कदम क्या शुक्ला जी, फाइनल रिएक्शन जल्दी से प्लीज। देखिए हिमांशु जी अखिलेश यादव और उनकी टीम कांवड़ियों के आस्था को तोड़ना चाहती थी, इसलिए प्रोपेगेंडा उसने किया है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रोक लगी है, सरकार जाएगी अपना पक्ष रखेगी, लेकिन हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति अखिलेश यादव, कांग्रेस, बंगाल की जो ममता बनर्जी है, किसी को नहीं दी जाएगी। और हमें पूरा भरोसा है कांवड़ यात्रा के मार्ग में आने वाले प्रतिष्ठान और दुकानदारों से कि वो अपनी पहचान छिपाएंगे नहीं। आप कह रहे हैं वो स्वेच्छा से अपना नाम जाहिर यहाँ पर करेंगे, हालांकि चालान करने की बात कही गई थी, लेकिन अब स्वेच्छा की बात कही जा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ी खबर आ रही है वो बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अजहरुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान आया, नेम प्लेट विवाद पर कोर्ट के फैसले पर अजहरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम तो शुरू से कह रहे थे कि ये असंवैधानिक है, ये हिटलर के जमाने में होता था। साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रोक